नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास ये बच्चा फ्रिज आया है। देखिए, छोटा सा फ्रीज़र है, इसमें बहुत ही छोटा सा फ्रिज है। इसमें कंप्रेसर ख़राब है। कस्टमर ने शिकायत की थी कि इसमें कूलिंग नहीं हो रही है, तो हम इसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक मल्टीमीटर लेंगे, उसको कंटिन्यूटी मोड पर लगाकर एक पिन, एक प्रॉप कंप्रेसर की पिन पर और एक बॉडी पर लगा के देखेंगे। ये देखिए, मल्टीमीटर में देखिए कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ये बॉडी शॉर्ट हो चुका था। अब इसे हम पाइप काटेंगे, इसको खोलेंगे। सबसे पहले हम इसका सक्शन पाइप काट रहे हैं। बड़ी सफाई से काटना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे आराम से ही काटना पड़ेगा। और ये हमारा सक्शन पाइप कट चुका है। अब हम इसका फ़िल्टर निकाल रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप इसका कंप्रेसर बदलें या इसमें गैस चार्ज करें, तो इसमें फ़िल्टर अवश्य बदलें। फ़िल्टर बदलना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा नया गोदरेज का पावर कूल कंप्रेसर है। इसमें R134A गैस डलेगी। ये छोटे फ्रिज के लिए है। हर फ्रिज का अलग अलग साइज़ आता है। कंप्रेसर है सबसे घटिया कंप्रेसर। गोदरेज का हमने सैमसंग का मैंने नेट पे देखा था, चला दी है। अब इसे बढ़िया है, ये जो एलजी का लगा दिया इसके अंदर कंप्रेसर, उसको हम वेल्डिंग की सहायता से निकालेंगे। ये पाइप लोहे का आता है, इसको अगर हम काटेंगे तो काटने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है, लेकिन ये पाइप छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको वेल्डिंग की सहायता से निकालेंगे। क्लास से डीलर पड़ जाएगा, क्लास से ये देखिए दोस्तों, बाहर निकल चुका है। ये पाइप हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसके बोल्ट खोले जा रहे हैं। इसके चार बोल्ट हैं कंप्रेसर को अलग करने के लिए। चारों बोल्ट खोलकर हम ये कंप्रेसर अलग कर देंगे। अब ये हमारा नया कंप्रेसर है, इसके नीचे गुटके फिट किए जा रहे हैं। इस कंप्रेसर को हम बिठा रहे हैं। अभी गुटके लग चुके हैं, इसमें बोल्ट कस रहे हैं हम। दोस्तों, ये बोल्ट बहुत अच्छे से टाइट होने चाहिए, ताकि चलते समय वाइब्रेट नहीं करे। वाइब्रेट करने से हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो ढीले पड़ सकते हैं और गैस लीक हो सकती है, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। ये कंप्रेसर नए कंप्रेसर में ये रबड़ के गुटके लगे हुए आते हैं मुंह पर, ताकि इसमें एयर ना जाए। एयर जाने से इसका अंदर का जो ऑयल है उसमें मॉइस्चर आ सकता है। अब ये हमने इसका पाइप जोड़ दिया है। डिस्चार्ज पाइप की वेल्डिंग की जा रही है। ये डिस्चार्ज पाइप की वेल्डिंग में बात ध्यान रखनी पड़ती है कि ये पाइप लोहे का होता है, इसके लिए प्लस की सहायता से जोड़ना। जो पाइप कलर का पाउडर आप देखते हैं, वेल्डिंग बहुत प्लस है, इसे सुहागा भी कहते हैं। अब वो जुड़ चुका है। अगर हम सुहागा नहीं लगाएंगे, फ्लक्स नहीं लगाएंगे, तो ये लोहे की वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। अब ये जो सक्शन पाइप है, सक्शन लाइन है, इसको हम थोड़ा साफ कर रहे हैं। इस पर थोड़ा सा कार्बन जैसा है, अगर ये कार्बन नहीं हटाएंगे तो इस पर वेल्डिंग अच्छी से नहीं हो पाएगी। अभी हमने साफ करके इसमें अंदर डाल दिया है और ये वेल्डिंग हो रही है, हो चुकी है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये इसके साथ एक OLP और एक रिले साथ में मिली है। अब ये हम लगा रहे हैं। पहले OLP लगती है,
उसके बाद ये रिले इसके नीचे लगेगी। रिले हम उल्टी लगा रहे थे, अब ये सीधी हो गई है। वायर वाला साइड हमेशा अपने सामने ही आएगा और ये अर्थिंग की वायर ज़रूर जोड़ें। अर्थिंग की वायर नहीं जोड़ने सर, कभी कभार उसमें हल्की फुल्की अर्थिंग रह जाती है जिससे हमें हल्का झटका लग सकता है। सेफ्टी के हिसाब से अर्थिंग वाला ज़रूर जोड़ें। अब ये हमने चालू करके देखा है, इसको फ्लश कर रहे हैं दोस्तों। ये फ्लश करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल साफ़ है पाइप। ये यहाँ से सक्शन पाइप है, इसमें कोई ऑयल कोई डस्ट नहीं है। अब इसे हम चार्जिंग लाइन में हम अपन चार्जिंग वाल लगा रहे हैं। और ये कैपलरी है, कैपलरी को हम अब ये बंद है, इसका मुंह खोलेंगे। ये प्लास की सहायता से हम ऐसे काट रहे हैं और ये देखिए बिल्कुल साफ एकदम मुंह दिख गया है इसका, बिल्कुल खुल चुका है, कैपलरी बिल्कुल खुली हुई है। अब इसमें हम ये ड्रायर फिल्टर जो होता है ये जोड़ेंगे। दोस्तों अब ये जो ड्रायर फिल्टर में लगा रहे हैं हम ये पाइप, ये भी लोहे का ही होता है तो इसके लिए भी फ्लक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पीछे से हमने एक वैक्यूम के लिए छोटा सा पाइप निकाला है, ये है, और नीचे कैपलरी लगा देते हैं। बस अब ये तैयार है, इसको बस वेल्ड करना है। ये लोहे का पाइप है इसलिए हमें वापस से फ्लक्स, ये देखिए सफ़ेद पाउडर है जो रंग सफ़ेद फ्लक्स बोल सकते हैं या सुहागा बोल सकते हैं। ये पिन हमने पहले निकाल ली थी ब्रेजिंग से पहले इसको निकालना पड़ता है वेल्डिंग से पहले, ताकि ये पिन अंदर वाशर जल नहीं जाए। अभी हमने वापस लगा दी है इसकी पिन। अभी हमारा कंप्रेसर लग के तैयार हो चुका है, अब इसमें हम मीटर का पाइप जोड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा 134A का केन, गैस केन है ये। बहुत ही थोड़ी मात्रा में इसमें गैस डलेगी क्योंकि ये बहुत छोटा फ्रिज है ये 134A गैस। इसमें गोदरेज का है पावर कूल, इसमें 134A ही डलेगी। देखिए दोस्तों ये माइनस में जा रहा है, ये वैक्यूम हो रहा है। अभी हमने फ्रिज को ऑन किया है, फ्रिज ऑन करते ही ये वैक्यूम की साइड से जो फिल्टर के पीछे पाइप था वहाँ से हमारा एयर पूरी निकल चुकी है। ये हम वाल मीटर का वाल भी पूरे खोल देंगे और ये देखिए ये यहाँ से पूरी एयर निकल चुकी है, पूरा माइनस में आ चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर इसको बंद करके देखेंगे कि इसमें लीकेज तो नहीं है। ये अगर इसका वैक्यूम टूट जाता है तो इसमें कुछ लीकेज हो सकता है। अभी इसमें हमने 15 मिनट में देखा कोई लीक नहीं था। अब थोड़ी सी इसमें गैस, हम इसका जो वैक्यूम है वो तोड़ेंगे थोड़ी सी गैस डालकर। ये देखिए सर दोस्तों, ये सारी गैस इसमें वैक्यूम टूट चुका है पूरा। अब इसका प्रेशर है 10 PSI, हमने इसमें थोड़ी सी गैस डाली है जिससे इसका वैक्यूम टूट जाए। अब इसको हम चालू करके देखेंगे। जब इस वैक्यूम में हो तब चालू नहीं करना है, थोड़ी सी गैस इसमें डाल के ही चालू करना है। अब इसको हमने फिल्टर के जहाँ से वैक्यूम के लिए पाइप छोड़ा था उसे हमें रोक रखा है हमने हाथ से।
आप चाहें तो वेल्डिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो इस पर हमने रोक रखा है हाथ से ही। 40 सेकंड से एक मिनट तक आपको इसको रोक के रखना है, फिर अचानक से इसको छोड़ देना है। जैसे इसके अंदर की पूरी एयर या मॉइस्चर वगैरह हो सब निकल जाए। अब फिल्टर को हमने वापस से वेल्ड कर दिया है और ये वापस से उसको वैक्यूम करके वेल्ड किया है। अब इसमें गैस डालेंगे, देखिए अब इसमें धीरे धीरे गैस हमने डाल दी है और ये प्रेशर आ चुका है इसका 10 से 12 PSI तक आ चुका है, थोड़ी सी गैस डालने पर ही। अभी हमने मीटर हटा दिया है, इसका जो चार्जिंग वाल्व है हमने लगाया था वो उसको अंदर थोड़ा मोड़ देते हैं अंदर की तरफ, ताकि ये बाहर किसी चीज़ से टकरा कर टूट नहीं जाए। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रीज़र में पूरी अच्छे से कूलिंग आ चुकी है, फ्रॉस्टिंग हो चुकी है। अब ये फ्रिज ओके हो चुका है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें इसमें कमेंट में पूछ सकते हैं।